नमस्कार। मार्च महीने का राशिफल लेके मैं संजीव बख्शी आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मार्च महीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट महीना है। एक तो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है 31 मार्च को, बही खाते बंद कर दिए जाते हैं, एक जो फाइनेंशियल ईयर है वो समाप्त होता है और 1 अप्रैल से नए खाते शुरू हो जाते हैं। और वास्तविकता में इस बार का मार्च बहुत ही विशेष है। एक तो फाइनेंशियल क्लोजिंग तो हर साल होती है, इस बार नवरात्रे भी मार्च महीने में आरंभ हो रहे हैं। नवरात्रे अपने आप में नौ रात्रे और नव नए की शुरुआत दोनों बातें ही सार्थक होती हैं इस शब्द में। और इसके साथ साथ मुस्लिम लोग का रमजान का महीना भी इस बार मार्च महीने में ही पड़ रहा है। और विक्रम संवत 2079 खत्म होगा और 2080 का उदय होगा। ये सब मार्च महीना 2023 में ही घटित होने जा रहा है, तो इसलिए मार्च को हम काफ़ी इम्पोर्टेंट समझें, क्योंकि मार्च में हर्षोल्लास का पर्व होली भी पड़ेगा और इसके अलावा नवरात्रे तो है ही हैं, रामनवमी भी मनाई जाएगी। और मुस्लिम लोग के लिए रमजान का महीना जो उनका पवित्र महीना है वो भी इसी माह पड़ेगा। तो ये कुदरत के सब रंग आपको इस हिंदुस्तान की धरती पर देखने को मिलेंगे, इसका लुत्फ लीजिए, आपसी भाईचारा बनाए रखें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और इस माह के ग्रह स्थिति से शुरुआत करता हूँ। सूर्य मासारम में कुंभ राशि में रहेंगे और 15 मार्च को कुंभ राशि छोड़ के मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो लगभग 6 महीने से वृषभ राशि में टिके हुए थे वो अब फाइनली 12 की रात्रि और 13 की सुबह को मार्च महीने की मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्र भी मिथुन राशि में है मासारम में। बुध कुंभ राशि छोड़ के 16 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु मीन राशि में ही रहेंगे। शुक्र 12 मार्च को मेष राशि में चले जाएंगे, अपनी उच्च राशि मीन को छोड़ देंगे। शनि कुंभ राशि में ही रहेंगे। राहु मेष और केतु तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे। ये तो है ग्रहों की स्थिति। इसके अलावा पर्व त्योहारों में 6-3 को होलिका दहन होगा, 7-3 को होलाष्टक समाप्त होगा और 7-3 को ही होली मनाई जाएगी। रंगों का पर्व, एक न्यू बिगनिंग का घोतक और बसंत अपने पूरे यौवन पे। पूर्णिमा का दिन, फागुन की पूर्णिमा को होली का पर्व मनाया जाएगा। 8 मार्च को यानी पंजाब के आनंदपुर साहब और पांवटा साहब में, हिमाचल के वहाँ सिखों का, निहंगों का पर्व होला मोला मनाया जाएगा। 14 मार्च को चैत्र संक्रांति या यूं कह लीजिए मीन की संक्रांति, सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 15 मार्च को शीतलाष्टमी, 21 मार्च को विक्रम संवत 2079 का समापन होगा। अमावस्या का दिन होगा, भौमवती अमावस्या, चैत्र माह की। और अगले दिन 22 मार्च को विक्रम संवत 2080 का आगाज होगा, नई बिगनिंग, नई शुरुआत, नई विक्रम संवत शुरू हो जाएगी। 22 तारीख को नई संवत के साथ चैत्र नवरात्रों का प्रारंभ हो जाएगा। 24 मार्च को गौरी तृतीया और साथ ही रमजान का महीना शुरू हो जाएगा। 26 मार्च को पंचमी रहेगी। 29 मार्च को श्री दुर्गाष्टमी और 30 मार्च को नवरात्रों का समापन और श्री रामनामी मनाई जाएगी। है ना बहुत ही
महत्वपूर्ण रंगारंग महीना। इसके अलावा 7 मार्च को चैतन्य महाप्रभु जयंती रहेगी, 9 को संत तुकाराम जी की जयंती, 23 मार्च को शहीदी दिवस शहीद आजम भगत सिंह, 23 मार्च को सिंधियों में सिंध के श्री झूलेलाल जी की जयंती मनाई जाएगी। तो हर वर्ग और हर तरह का समावेश है इस बार के मार्च महीने में। नई विक्रम संवत जिसका नाम की पिंगल है, उसका आरंभ 24 मार्च से होगा, 2 विलंब से होगा। और इस बार की खासियत 8 मार्च से 6 अप्रैल तक 5 बुधवार और 5 बृहस्पति और ये और ऊपर से शुक्र राहु की युति, मुस्लिम देशों में अशांति दिखाई दे रही है और भारतवर्ष अपने आर्थिक विकास को आगे लेते ले जाते हुए आगे बढ़ते हुए नए एरा में प्रवेश करेगा और एक नई शुरुआत होगी। अब हम चर्चा करें कि 12 राशियों के लिए मार्च का महीना कैसा है, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध। बुध भाग्य स्थान में चल रहा है, बहुत उत्तम स्थिति में है, किंतु 16 तारीख को यही बुध वहां से निकल के अपनी नीच राशि मीन में पहुंच जाएंगे। केंद्राधिपति दोष रहेगा, बुध को केंद्राधिपति दोष लगता है, बृहस्पति को भी केंद्राधिपति दोष लगता है, तो बुध बृहस्पति की भी युति होगी, तो बुध का नीच भंग हो जाएगा। तो बुध से इतना नीच होने पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है जब तक बृहस्पति मीन राशि में विराजमान है। और 12वें भाव पे मंगल सिर में दर्द दे सकते हैं, एक आंख से थोड़ी देखने में भी दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, खर्चे भी आपके बड़े हुए हैं, आय स्थान में राहु बैठा हुआ है, कमाई तो हो रही है और राहु सब तरफ से आपको सामदंड भेद लगा के कैसे भी आमदनी के रास्ते खोले हुए हैं। और भाग्य स्थान में 3 ग्रह योग बना हुआ है, शनि सूर्य और बुध का, तो भाग्य थोड़ा सुस्त जरूर है क्योंकि अभी शनि आपकी ढैया खत्म करके हटे हैं और 17 जनवरी को ही मूव कर रहे हैं आपके भाग्य स्थान में। तो धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी, थोड़ा अध्यात्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, धार्मिक कार्यों के अलावा कहीं तीर्थ यात्रा भी आपकी संभव है, आप तीर्थ यात्रा भी करेंगे और आपको यश की भी प्राप्ति होगी क्योंकि शुक्र आपके लिए पंचमेश भी हैं, संतान पक्ष से भी आपको अच्छे समाचार मिल सकते हैं। और शुक्र 12 मार्च को जाएंगे मेष राशि में तो भी उत्तम स्थिति बनेगी, तो किंतु खर्चे वो काबू में आपको करने होंगे क्योंकि शुक्र आपके खर्चे के भी स्वामी हैं। राशि पे मंगल का आगमन हो जाएगा 12 मार्च को, राशि पे मंगल आएगा तो आपको अपने ब्लड प्रेशर इस सब टेम्परामेंट इनका ख्याल रखना होगा क्योंकि मंगल का स्वभाव उग्र है और जब मिथुन उसकी वैरी की राशि है, बुध और मंगल में मित्रता नहीं है, तो मंगल यहाँ पे आके अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे। तो इसलिए मिथुन राशि के जातकों को खास तौर पे सावधान रहना होगा। अगर किसी तरीके की पुरानी हृदय रोग संबंधित कोई हिस्ट्री है तो आप प्रिकॉशंस जरूर लें, अपनी दवा वगैरह समय पे लेते रहें। और परीक्षार्थियों के लिए समय अच्छा है, आप 18 और 19 2 चंद्र अष्टम की स्थिति बन रही है। चंद्रमा जब भी अष्टम में आता है तो जनरली कष्ट ही देता है क्योंकि 8वां घर सबसे कमजोर घर होता है और कोई भी ग्रह जनरली आके 8वें घर में कमजोर हो जाते हैं, वो अपना पूरा फल नहीं दे पाते। और अष्टम भाव में चंद्रमा आके वैसे ही कमजोर हो जाता है, तो इसलिए किसी कई तरीके की डिप्रेशन की स्थितियां भी कईयों के साथ बनती हैं, कोई ना कोई खीज सवार रहती है, कोई बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं और अनवांटेड 2 जो हैं जब तक चंद्रमा अष्टम में रहता है निकल नहीं जाता है जब तक राशि से, तब तक आपको पीड़ा महसूस होती है। मकर राशि का चंद्रमा होगा तो आपको शनि का उपाय करना होगा, तो शनि के उपायों में शनिवार के दिन
पीपल के नीचे संध्या के समय दीपक जलाएं, सरसों के तेल का दीपक जलेगा, और शिव जी की उपासना करें तो भी शनि शांत होते हैं। इसके अलावा शनिवार के दान करें, उड़द की दाल किसी लंगर सेवा में दें, तो आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी।